बहराइच में बुधवार शाम अपर पुलिस अधीक्षक नगर रमानंद कुशवाहा ने क्षेत्राधिकारी नगर राजीव शिशोरिया व तीन थानों की पुलिस के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। आगामी 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर रमानंद कुशवाहा की अध्यक्षता में रेलवे स्टेशन पहुंची तीन स्थानों की पुलिस फोर्स ने सभी संदिग्धों की तलाशी लिया, आधार कार्ड और टिकट चेक किया। संबंध में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर रमानंद कुशवाहा ने कहा कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य कार्यक्रम व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर के चेकिंग अभियान चलाया जा रहा, जिसमें संवेदनशील इलाके व रेलवे स्टेशनों का सघन चेकिंग की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से छातों की निगरानी की जा रही है, ताकि यदि किसी छत पर किसी प्रकार की वस्तु मिल सके तो उसे तत्काल कार्रवाई की जा सके। आज रेलवे स्टेशन चेकिंग की गई है, क्या उद्देश्य है, क्या है? देखिए, 22 जनवरी में जो अयोध्या में जो भव्य प्रोग्राम होना है और 26 जनवरी आने वाले 26 जनवरी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी रेलवे स्टेशन और जो भी संवेदनशील स्थान है वहाँ पर संदिग्ध व्यक्तियों संदिग्ध वाहनों और की चेकिंग कराई जा रही है। हम लोग के साथ GRP और RPF के भी लोग हैं और HHMD के द्वारा इनको प्रॉपर फ्रेसिंग किया जाता है। महिला पुलिस भी है और ड्रोन के से भी हम लोग बाकी छतों पर निगरानी रख रहे हैं कि किसी तरह कोई अवांछित या किसी तरह की कोई वस्तु ना दिखाई पड़े, उस पर तत्काल कार्रवाई किया जा सके। और ये चेकिंग प्रॉपर की जा रही है सुरक्षा के दृष्टिकोण से 26 जनवरी और 22 जनवरी के जो कार्यक्रम है उसको लेकर के। देखिए, हम लोग आधार कार्ड भी चेक कर रहे हैं। अभी आपने देखा, हमने पूरी ट्रेन की फ्रेसिंग कराई है, चेकिंग कराई है, उसमें आधार कार्ड भी देखा जा रहा है कि जो आदमी अपना एड्रेस बता रहा है उस एड्रेस का उसके पास आधार कार्ड है कि नहीं। और बाकी लोग भी जहाँ जहाँ जैसी संभावना मिल रही है, सूचना मिल रही है, उसमें हम लोग प्रॉपर चेकिंग भी कर रहे हैं और उनको तस्दीक भी कर रहे हैं, उनका सत्यापन भी करा रहे हैं, किरायेदारों का भी सत्यापन हो रहा है।